मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2020-2021 में सस्ती बिजली के लिए वितरण कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश में धान उद्योग के लिए नई पॉलिसी बनेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 98 लाख परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धान उद्योगों के लिए नई पॉलिसी आएगी। उन्होंने कहा, गुरुवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक में विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में जो सब्सिडी दी जाती है उसे भी मंजूरी दी गई है। ये वो सब्सिडी है जो 5 हॉर्स पावर पंप पर किसान को 51,000 रुपए देना होती है और सरकार इस पर सब्सिडी देती है। किसान को केवल 3,500 रुपए जमा करने होते हैं और बाकी राशि सरकार जमा करती है। इसी तरह से 10 हॉर्स पावर के पंप पर 1,00,000 रुपए के लगभग सरकार जमा करती है। शिवराज सरकार 21,000 करोड़ रुपया भरती है। नरोत्तम ने कहा कि 6 लाख स्ट्रीट वेंडरों के खाते में 1,000 की राशि लगभग 60 करोड़ रुपए मंजूरी कैबिनेट द्वारा मिली है। आज कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो सब्सिडी टैरिफ आदेशों के लागू के विद्युत दरों में जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहाँ यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि ये वो सब्सिडी है जो 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसान को 51,000 रुपया देना चाहिए, सरकार सब्सिडी देती है और वह किसान कुल 3,500 रुपये जमा करता है। मतलब 47,500 रुपया सरकार किसान की तरफ से जमा करती है। इसी तरह से 10 हॉर्स पावर की जो रहती है किसान का पंप, इस पर 1,00,000 रुपए के लगभग सरकार जमा करती है। किसान को लगभग ना के बराबर पैसा लिया जाता है। यहाँ यह भी कहना मैं पुनः प्रासंगिक समझूंगा कि 98 लाख उपभोक्ता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, 98 लाख परिवार के जिन्हें 100 रुपया महीना बिजली का बिल जिनसे लिया जाता है, जबकि वह 1 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से 543 की जगह 100 रुपया लिया जाता है और यह 21,000 करोड़ रुपया दोनों का मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार वहन करती है। COVID-2 के दरमियान में जो हमारे हाथ ठेला वाले, पथ विक्रेता, ठेले वाले, रेड़ी वाले, खोमचे वाले, इन सब लोगों के खाते में 1,000 रुपया जो था, जो 6 लाख हमारे पथ विक्रेता थे उनके खाते में डाले थे और उसके लिए 60 करोड़ रुपए की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। गरीबों के लिए ये संजीवनी का काम हमारी इन दोनों तीनों योजनाओं के द्वारा आपत्ति और विपत्ति के समय में किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।